तो हिम्मत ना हारिए, आपको यूपी हारना है, हिम्मत नहीं हारनी है। 30 के ऊपर अगर भर जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। आपने कहा था कि इनका नाम बदल दिया जाएगा, ये आपके शो पे ही कहा गया था, तो पहले तो इनकी हरियाणा की समझ आपने देख ली, इनका नाम नया नाम जो है देश की जनता जानना चाह रही है। अभी व्यक्तिगत हो जाऊं तो बोलने लगू आपकी कुटाई हो गई थी, आपको आपके साथी जर्नलिस्ट नहीं पीट दिया था क्योंकि आप नाच नाच कर क्या कर रहे थे सबको पता है। मैं व्यक्तिगत नहीं हूं। आज के दिन पत्रकारिता कर रही थी और कल कांग्रेस पार्टी का टिकट लेना शुरू कर दिया था विदाउट अ कूलिंग ऑफ पीरियड, ये पर्सनल हो गई। जो लड़की कहती थी कि मंडी में रेट क्या है। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की और एक मजेदार डिबेट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी की प्रवक्ता प्रदीप भंडारी और कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सिनेट के बीच में। दोस्तों हरियाणा चुनाव के दौरान एक टीवी डिबेट में कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सिनेट ने कहा था कि अगर हरियाणा चुनाव में बीजेपी की 15-20 से ज़्यादा सीट आ जाती है तो वो अपना नाम बदल लेगी। तो आज की डिबेट में हरियाणा चुनाव के बाद पहली बार ये दोनों आमने सामने हो गई। तो प्रदीप भंडारी ने मैडम की नया नाम पूछ लिया, फिर इतना सुनते ही मैडम पूरी तरह से बखला गए और गाली गलौज पर उतर आई। फिर प्रदीप भंडारी ने इनकी जमकर क्लास लगा दिया। दोस्तों आज की डिबेट बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, आखिर तक जरूर देखना। एंड डिबेट के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। एक लाइन मेरे मन में आती है उत्तर प्रदेश को सुनकर, और वो लाइन है, हारिए ना हिम्मत बिसारिए ना राम। प्रभु राम को भूलना नहीं चाहिए। अयोध्या क्या हारे बीजेपी वाले, श्री राम को ही बिसार दिया। एक व्यक्ति आपको इनका जय श्री राम कहता हुआ, जय सिया राम कहता हुआ नहीं दिखता। प्रभु राम से ही इनकी दुश्मनी हो गई। जिस राम के नाम पर हम लोग चुनाव लड़ते हैं, जिस राम के नाम पर जीवन यापन करते हैं, उन्हीं को बिसार दिया। तो हिम्मत ना हारिए, आपको यूपी हारना है, हिम्मत नहीं हारनी है। अच्छा अरे आपको पता है, हमें पता है, अयोध्या में आपकी फिर करारी हार होगी, आपके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगा, लेकिन आपको ये सहना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश ने बहुत बड़ा फैसला किया और 240 पर लाकर इनको बैसाखियों के सहारे खड़ा किया। उत्तर प्रदेश की 43 इंडिया गठबंधन की सीट और इनकी जो 29 सीट ये हारे, उसने तय किया कि ये घटक दल की, ये गठबंधन की सरकार चलाएंगे। तो उत्तर प्रदेश के नागरिकों को मेरा अभिवादन है और मुझे पूरा विश्वास है कि इंडिया गठबंधन ये सारे उपचुनाव स्वीप करने जा रहा है। क्या बोला तूने? इंडिया गठबंधन ये सारे उपचुनाव स्वीप करने जा रहा है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। मानक जी, हम सुबह भी जय श्री राम बोलते हैं, दोपहर को भी जय श्री राम बोलते हैं, रात को भी जय श्री राम बोलते हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम हमारे लिए हमारी अस्तित्व है। ये लोग तो अभी तक प्रभु श्री राम का मंदिर तक नहीं जा पाए, जो कह रहे थे डेट लेके जाएंगे। अच्छी बात है कि साजन जी कम से कम प्रभु श्री राम का नाम तो लिया, अब वो 14 साल की बच्ची का रेप करने वाले को कम से कम अपनी पार्टी से तो हटा दीजिए, जो अयोध्या के अंदर ही हुआ था। खैर देखिए, आपको सुप्रिया जी की उत्तर प्रदेश की समझ को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। महराजगंज के अंदर इनके डिपॉजिट जब्त हुए थे और लड़की हूँ लड़ सकती हूँ की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी 90% सीट्स के अंदर उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 अंदर जब प्रियंका वाड्रा ने कैंपेन किया था, डिपॉजिट जब्त हुए थे। समाजवादी पार्टी की बैसाखी के नाम पे सिंगल डिजिट वोट शेयर इनको मिला है। अगर इनमें सच में इतना उत्तर प्रदेश में कॉन्फिडेंस है तो अकेले लड़के देख लें, पता चल जाएगा जो हुआ था। पॉइंट नंबर 1, हरियाणा चुनाव के पहले क्या कहा जा रहा था, जरा इनके नैरेटिव आपके शो का सुनिए। ऊपर अगर बढ़ जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। 15-20 के बीच में इनकी सीटें आने जा रही, उससे कम ही होंगी, ज्यादा नहीं होंगी हरियाणा में। इन्होंने कहा था कि इनका नाम बदल दिया जाएगा, ये आपके शो पे ही कहा गया था, तो पहले तो इनकी हरियाणा की समझ आपने देख ली, इनका नाम नया नाम जो है देश की जनता जानना चाह रही है। सही पकड़े हैं। और हरियाणा के अंदर दलितों ने हमको वोट किया, जाटों ने हमको वोट किया, हरियाणा की जनता ने हमको वोट किया, और उत्तर प्रदेश में भी वो होगा, क्योंकि विकास के नाम पे बात है। अब मैं फैक्ट्स की बात करता हूँ मानव जी। उत्तर प्रदेश में जब से अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी क्या की लीडरशिप संभाली है, एक बार आप बताइए कि वो भारतीय जनता पार्टी से विधानसभा चुनाव जीते हैं? नहीं जीते। तो मतलब यही हुआ कि जब पिछला उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 का हुआ, तो दो ही तो चुनाव हुए। हाँ, तो दो चुनाव हुए, दोनों में हम जीते। हाँ। है ना, लोकसभा चुनाव के अंदर पिछली बार जो है हम लोगों ने स्वीप किया था, 2014 के अंदर भी हमने स्वीप किया था। हाँ। 19 में भी स्वीप किया था, 24 के अंदर हमको कुछ फीडबैक मैकेनिज्म, हमको चीजें इंप्रूव करने की जरूरत है, जैसे हमने हरियाणा में इंप्रूव करी थी वैसे ही हम उत्तर प्रदेश के अंदर इंप्रूव कर देंगे। पॉइंट नंबर 1 पर कांग्रेस पार्टी को आज आपने देखा हश्र क्या हो गई। उमर अब्दुल्ला जिन्होंने अपना फर्स्ट इंटरव्यू दिया था चुनाव में जीतने के बाद, उन्होंने क्या कहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इज एन ऑनरेबल मैन, वी विल नॉट Article 3, we will not get back Article 370. Only foolish people can think that Article 370 can come back. और कांग्रेस पार्टी को क्या, एक मंत्रालय दिया, एक मंत्रालय।
ये है कांग्रेस पार्टी की आज अलायंस के अंदर हैसियत। क्या साजन जी किस तरीके से कह रहे हैं कि हमें महाराष्ट्र में सीट दे दो, कांग्रेस तो बाहर से सपोर्ट कर दिया ना, वो तो कांग्रेस पार्टी प्लांट कर रही है मीडिया में कि भाई हम स्ट्रेटेजी के तहत कर रहे हैं, उनको दिया सिर्फ एक मंत्रालय, इसीलिए ये सच्ची बात है। डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी उन्होंने अपनी पार्टी का बनाया, तो यह कांग्रेस का अलायंस के अंदर स्थिति है। मुझे बताइए जैसे ही हरियाणा के नतीजे आए, इनके उद्धव सिन्हा ने क्या कहा था, संजय राव जी ने, कांग्रेस पार्टी को सीखना चाहिए। साजन जी आज आपके शो पे क्या कह रहे हैं कि अगर हमें महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी सीट दे देगी तब हम सोचेंगे, तभी तो पहले 6 सीट्स डिक्लेयर करिए। तो देखिए जो खुद वैसाखी पे हैं, जिनकी खुद जमानत जब्त हुई, हमको ना समझाए। ये बात है, व्यक्तिगत और लीचड़ बातें करना ही बीजेपी को आता है। मुझे तो मेरी पार्टी ने टिकट दे दिया था, जिस दिन आपको सभासदी का टिकट मिल जाए उस दिन हम लोग बहस करेंगे, लेकिन क्योंकि बीजेपी अपना असली चाल चरित्र और चेहरा दिखाएगी तो मैं इसी प्रोग्राम पर बोल देती हूँ। इनका एक बद्दीमान मंत्री है, उसका नाम है दिनेश प्रताप सिंह, यूपी में वो करारी हार उनकी हुई राहुल गांधी के हाथों। आज उन्होंने प्रियंका गांधी को लेकर बेहद आपत्तिजनक शब्द कहे, लेकिन मैं बिल्कुल भी अचंभित नहीं हूं, क्योंकि यही बीजेपी की असलियत है, यही उनका महिला विरोधी चेहरा है, यही उनका लीचड़पन है, जो यहां पर भी प्रवक्ता के मुंह से दिख रहा है। मैं भी व्यक्तिगत हो जाऊं तो बोलने लगूं आपकी कुटाई हो गई थी, आपको आपके साथी जर्नलिस्ट नहीं पीट दिया था क्योंकि आप नाच नाच कर क्या कर रहे थे सबको पता है। मैं व्यक्तिगत नहीं होंगी, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। मैं इसी पर पढ़ना चाहती हूं और मैं एक शब्द जरूर बोलना चाहती हूं। मानक जी, संजय निशान जी ने 2024 की हार यूपी के बाद क्या कहा था, बुलडोजर की वजह से हार गए। राजभर जी जो इनके घटक दल, उन्होंने क्या कहा था, योगी मोदी ने हरा दिया। संजय मिश्रा ने क्या कहा था, अगर यही स्थिति रही तो हम हर चुनाव यूपी में हारेंगे, इनके एमएलए हैं। मैं एक चीज यहां पर आपकी जानकारी के लिए बता देती हूं, 403 लोगों की विधानसभा है उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश से आती हूं, डंके की चोट पर उत्तर प्रदेश के बारे में बात करती हूं। 403 लोगों की विधानसभा का जो मुख्यमंत्री है उसको 2 सीटों का प्रभारी बनाया है। अरे इतना भीतरघात है कि बृजेश पाठक वर्सेस केशव प्रसाद मौर्य वर्सेस योगी आदित्यनाथ वर्सेस अमित शाह, यूपी संभल नहीं रहा, इनसे एक दूसरे की काट करने पर लगे हुए हैं। सबको पता है यूपी में क्या हो रहा है, सबको पता है कैसे तख्ता पलट करने की तैयारी यहां से रची जा रही है। ये यूपी पर बोलेंगे, आप जितने भी व्यक्तिगत हो जाइए, आप जितनी भी भर्ती यहां पे बातें करेंगे, यही आपका असली चाल चरित्र और चेहरा है, यही आपकी असलियत है। मैं पर्सनल का ये पीछे चली गई, ये पर्सनल चली गई जो पहले आज के दिन पत्रकारिता कर रही थी और कल कांग्रेस पार्टी का टिकट लेना शुरू कर दिया था विदाउट अ कूलिंग ऑफ पीरियड। ये पर्सनल हो गई जो लड़की जो कहती थी कि मंडी में रेट क्या है, महिलाओं के बारे में ये बात करेंगी जिनकी पार्टी के अंदर सब महिला विरोधी बयान करके छोड़ते हैं, और ये विमेन वोटर्स को बैक करती है, बात करेंगी कठुआ रेपिस्ट के पक्ष में, इनकी प्रियंका वाड्रा जो है वो जाके रैली करती है, बात करेंगी। इनका उत्तर प्रदेश में यही हश्र था, 2019 में जमानत जब्त हुई, 2024 में चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अरे हम जब चुनाव लड़ेंगे हमारी पार्टी देगी देंगे, हम तो नॉर्मल से कार्यकर्ता है, पर आपके जैसे घमंडी नहीं है, आपके जैसे घमंडी नहीं है। 2019 के अंदर जमानत जब्त हो गई आपकी, 2024 के अंदर 2024 में चुनाव नहीं लड़ पाई, चुनाव नहीं लड़ पाई, उत्तर प्रदेश में आप मत करिए। वोट शेयर पार्टी है, कुछ दिया सिंगल डिजिट वोट शेयर पार्टी, और खुद को सिर्फ आए थे, खुद को आए थे सिर्फ 5% वोट, तो समझिए थोड़ा सा जमीन चाहिए, महिलाओं की बात करिए, कठुआ रिपोर्ट हुकूमत बात करिए, समझिए यूपी की बीजेपी में इस समय जो तनातनी है, जो रस्साकशी है, जिस तरह का भीतरघात है, जो अमित शाह और योगी जी के जो खटास है संबंधों में, और ये मित्रवत संबंध बिल्कुल नहीं है जहां पर खटास है, वो बीजेपी के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। एक कॉन्स्पिरेसी रची जा रही है वहां के मुख्यमंत्री के खिलाफ, और मुझे लगता है कि उसी का नतीजा है कि बीजेपी अपना घर संभाल नहीं पा। एटलीस्ट हम लोग एक दूसरे को देखकर ये तो नहीं कह रहे भैया इनको देख के उल्टी आ रही, दम घुट रहा है। बीजेपी के घटक दल वाले जो शिंदे सेना वाले तानाजी सावंत है, वो अजीत दादा के लोगों के लिए ये कह रहे हैं। फडणवीस जी ने आज कह दिया है कि भैया मुख्यमंत्री का चेहरा हमारा होगा, हम बनेंगे। वहां शिंदे जी कह रहे हैं मैं बनूंगा। इनके यहाँ हर जगह जो भीतरघात महाराष्ट्र से यूपी तक दिख रही है, उसका नतीजा भी आप देखिएगा। ओके, प्रदीप भंडारी जवाब। क्या इनको बोलूं मानक जी, इनको क्या, इनको ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के बारे में पता है ना हमको, इनको जनता ने बताई दिया कि इनकी राजनीति की समझ कैसे है। मैं आपको एक सिंपल उदाहरण दूंगा कि इनको क्यों सीरियसली लेना चाहिए। अभी सुप्रिया जी ने क्या बोला कि देवेंद्र फडणवीस जी ने बोला कि भाई भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा, एक और फेक न्यूज़ इन्होंने फैलाई। देवेंद्र फडणवीस जी से जब पूछा गया कि मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, तो उन्होंने बोला हमारे मुख्यमंत्री यहीं बैठे हैं, सिटिंग राइट हियर, जहाँ पे एकनाथ शिंदे जी बैठे थे। तो इनका काम ही है सुबह से शाम तक सोशल मीडिया टेलीविजन पे फेक न्यूज़ फैलाना।
बात तो सही है। एक और बार मैंने इनको फैक्ट चेक कर दिया, इसीलिए लोग की जमानत जब्त होती है, इसीलिए नवनीत राणा आपकी गोल पोस्ट शिफ्ट कर दिया। अब गोल पोस्ट शिफ्ट कर दिया, एक मिनट भी मैं नहीं बोलता, जब तथ्य बोले जाते हैं तो इतनी बौखला जाती है क्योंकि इनका सुबह से दोपहर तक शाम तक काम होता है। फेक न्यूज फैलाए, फेक न्यूज फैलाए, भाजपा में फेक न्यूज फैलाए, खुद की पार्टी में फेक न्यूज फैलाए, आपको मैं पार्टी में फेक न्यूज फैलाने दूंगा। बिल्कुल नहीं, नहीं आप बोल रही थी, मैं नहीं बोल रहा था। ना 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 ना, मैं आपको, आप मेरे नेता के बारे में झूठ नहीं फैला सकती हैं। आप अपने नेता के बारे में झूठ फैलाइए, आपको टिकट चाहिए कांग्रेस से, झूठ बोल के लीजिए। मेरे नेता के बारे में झूठ नहीं फैलाइए सुप्रिया जी ने। जी ना 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 सुप्रिया जी, ये ट्रोल वाली हरकत, ये ट्रोल वाली बातें मत करिए प्लीज। आप प्रूफ करिए अगर बोला ऐसा है, वरना आपको स्टेटमेंट वापस देने पड़ेंगे। आप एक रिस्पॉन्सिबल टेलीविजन चैनल दोनों को मौका दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम है अभी मेरे पास। प्रदीप अपनी बात पूरी करें। मानक जी, मैं पहले ही बता रहा था कि उन्होंने हमारे नेता के बारे में झूठ बोला। देवेंद्र फडणवीस जी से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया चीफ मिनिस्टर का उम्मीदवार कौन रहेगा, उन्होंने बोला चीफ मिनिस्टर सिटिंग राइट हियर, क्योंकि बाजू में एकनाथ शिंदे जी बैठे थे। इन्होंने नेशनल टेलीविजन पर 100वीं बार झूठ बोला कि देवेंद्र फडणवीस जी ने बोला कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, आप देखिए जम्मू कश्मीर के ऊपर कांग्रेस पार्टी को खुश होना है, होने दीजिए। हम जम्मू कश्मीर में हमारा वोट शेयर जो है सबसे ज्यादा है, एनसी से भी ज्यादा है, परंतु हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में विश्वास रखते हैं। तो हरियाणा में भी कांग्रेस का जीते वो कंग्रेचुलेट किया, परंतु मैं आपको जिस बता रहा हूँ हमारा ग्राफ बड़ा है, आज नहीं तो कल हम सरकार बनाएंगे, क्योंकि हम किसी भी स्टेट पे जम्मू कश्मीर के अंदर ट्राई करेंगे। वैली के अंदर हमारी कई अगले चुनाव में बनाएंगे, अगले चुनाव में, उससे पहले अगले चुनाव में, अगले चुनाव में हम अगले चुनाव में बनाएंगे। आप घबराइए मत, हम लोकतांत्रिक रूप से हर काम करेंगे। अब मैं एक बार बात, एक और बात कंप्लीट कर लूं। देखिए उत्तर सुप्रिया सिन्हा जी या कांग्रेस पार्टी या किसी की भी भारतीय जनता पार्टी की समझ कितनी सिंपल है, मैं आपको बताता हूं। उनको समझ नहीं आता पॉलिटिक्स क्या होती है। होम मिनिस्टर अमित शाह जी ऑब्जर्वर बने हरियाणा के, इसके पहली बार आपने कभी देखा कि होम मिनिस्टर अमित शाह जी किसी स्टेट के ऑब्जर्वर नहीं, हर जगह कहा कि पहली बार गृह मंत्री जी को बनाया, कुछ बड़ा हो जाएगा, कुछ चेंज हो जाएगा। क्या हुआ? नायब सिंह सैनी जी को बनाया। हमारी पार्टी में हर व्यक्ति कार्यकर्ता है, भले वो प्रधानमंत्री हो, पार्टी प्रेसिडेंट हो, होम मिनिस्टर हो, छोटा सा कार्यकर्ता हो। इनकी पार्टी परिवारवादी पार्टी, राजशाही पार्टी। इसीलिए इनको नहीं नहीं, ये तो योगी जी के दिल से ही पूछेगा कि 403 लोगों की विधानसभा में दो सीटों के इंचार्ज बने, कितना इनको योगी जी के दिल का बड़ा पता है। ये बड़ा बताएंगी, ये बड़ा बताएंगी, मुझे नहीं बता। नहीं, आप बड़ा बताएंगी, आप बड़ा बताएंगी। हाँ, अब मैं बोलूं। बोलिए बोलिए बोलिए, बोल लो, तुम बोल लो पहले, भौंको तो फिर मैं बोलूंगी, आप बोल लो पहले। अरे सुप्रिया जी, अपने संस्कार ट्रोल वाले मत बात करिए, नेशनल टीवी पे ट्रोल नहीं है आप, इससे आपको एक्स्ट्रा वोट नहीं मिलेंगे। थोड़ी भाषा का संयम रखिए। Let's not make it personal. उनको समझाइए थोड़ा, भाषा का संयम रखिए। जम्मू कश्मीर में जब चुनाव हुआ, कश्मीर में जहां पर बड़ी बड़ी डींगे हांकते थे, ये अनंतनाग राजौरी से, बारामूला से, श्रीनगर से दुम दबाकर भाग गए, चुनाव तो लड़ नहीं पाई है, आधी जगहों पर कैंडिडेट खड़े नहीं कर पाई। ये बात कर रहे हैं राज्य में चुनाव सरकार बनाने की। अरे थोड़ी शर्म रखिए और माफी मांगिए जम्मू कश्मीर की जनता से। आजाद भारत में पहली बार आपने किसी से राज्य का दर्जा छीनकर उसको यूनियन टेरिटरी बनाया है, और अगर दम है तो जरूर नरेंद्र मोदी जी को अपना किया हुआ वादा पूरा करना चाहिए। कश्मीर का प्रदीप, पूर्ण राज्य का दर्जा कब वापस आएगा? एलजी ने भी कहा, पर इनसे समझिए, इनको यह भी नहीं पता कि जम्मू कश्मीर में मैक्सिमम सीट पे भारतीय जनता पार्टी लड़ी है, कांग्रेस पार्टी से दुगनी सीट पे हम लड़ी, और हमको बता रही है ये तो 30 सीट पे चुनाव लड़े, हम तो 60 सीट पे चुनाव लड़े, एनसी से भी ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़े। और हां, आर्टिकल 370 हमने रिमूव किया था, इसके चलते में कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान का एजेंडा चला रही थी, समझे आप? मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सियाराम।